फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और स्वागत है आपका बनारसी जायका में। आज हम बनाने वाले हैं ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर, जो कि बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखेगा, नहीं तो आप कई सारे स्टेप जो है कि मिस कर जाएंगी। तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर इस तरह से आप कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो बाहर जाकर खाना एकदम भूल जाएंगे, और अगर मेहमानों को खिलाएंगे तो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि कढ़ाई पनीर के लिए मसाले तैयार करेंगे, जिसमें कि मैंने 2 चम्मच धनिया के बीज लिए हैं, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सौंफ लिया है, 7 से 8 लाल मिर्च ली हुई है, थोड़ी काली मिर्च ली हुई है, 1 डंडी दालचीनी है, थोड़ा जावित्री है, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 5 से 6 जो है कि लौंग लिए हैं। अब इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। एक कढ़ाई में इन सारे मसालों को ऐड करके धीमी आंच पर जो है कि 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से भूनेंगे। जब अच्छे से स्मेल आने लगेगी तब हम इसे ठंडा करके दरदरा पीस लेंगे। तो बस ये 2 से 3 मिनट ही भूनना है, इसको बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब देखिए, इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब इसे जो है कि मिक्सर ग्राइंडर में हम इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। अब एक बाउल में हम जो है कि 400 ग्राम के करीब पनीर लेंगे, ऐसे इस तरह से बड़े बड़े क्यूब में हम काट लेंगे। अब इसमें बारी बारी हम मैरिनेशन के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा आधा नींबू का जूस लेंगे, थोड़ा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी कसूरी मेथी और ये जो मसाला है हमने कढ़ाई पनीर का बनाया था इसे अच्छे से ऐड करके थोड़ा टॉस करके इसे मिलाएंगे, जिससे कि पनीर टूटे ना। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैरिनेट हो चुका है। अब एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल गर्म करेंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें धीरे धीरे पनीर आधा बैच डालेंगे और आधा बैच को दूसरी बार में फ्राई करेंगे। एक बार में सारे पनीर को ना डालें। तो इस तरह से देखिए हमने थोड़े थोड़े पनीर इसमें डाले हैं। अब बिल्कुल भी इसे टच नहीं करेंगे। कुछ सेकंड के बाद अब हम इसे फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद दोनों तरफ से ही अच्छे से हल्का सुनहरा होने तक पकाएंगे। तो ये पनीर आराम से पलटिए ताकि टूटने ना पाए। बस इस तरह से करते हुए इस बैच के बाद दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे तेल निथार कर हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे सारे पनीर फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो है कि यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को इस तरह से काट लेंगे। मैंने 1 प्याज में 4 कट लगाए हैं और इससे ऊपर का जो परत होता है बारी बारी करके निकालती गई हूँ। अंदर के जो छोटे पीसेस हो जाते हैं उसे बारीक काट कर मैंने सब्जी में ग्रेवी के लिए यूज़ किया है। बस इस तरह से निकाल लीजिए। शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं। अब उस कढ़ाई में जो थोड़ा तेल बचा हुआ है, इसी कढ़ाई में जो है कि हम प्याज और शिमला मिर्च को एक साथ ऐड करेंगे। और बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का हमें इसे सॉटे करना है। थोड़ा नमक इसमें हम ऐड करेंगे, जिससे कि अच्छे से फ्राई हो जाए। हमें इसको बिल्कुल भी गलाना नहीं है, हमें इसका क्रंच एकदम मेनटेन करना है। ये देखिए मैंने नमक ऐड किया है। बस 1 मिनट के अंदर ही तुरंत इसे हम निकाल देंगे, जब जैसे इसका थोड़ा जो है कि कलर चेंज होगा। तो ये देखिए शिमला मिर्च का थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। बस अब इस स्टेज पे जो है कि इसमें हम थोड़ा हल्दी और लाल मिर्च ऐड करेंगे आंच धीमी कर कर। इससे क्या होगा ना, इसमें कलर तो अच्छा आएगा ही, और जब हम सब्जी में इसे ऐड करेंगे तो ये अलग अलग से नहीं दिखेंगे। तो बस 1/4 चम्मच के बराबर ही मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसे यूज़ किया है, अच्छे से मिक्स किया है। और बस तुरंत ही अब इसे जो है कि निथार कर हम निकाल देंगे। अब इस कढ़ाई में बचे हुए तेल को हम अलग करके रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में मसाला भूनते वक्त करेंगे। तो कढ़ाई में से तेल निकाल कर उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा और तेल डाला है। अब इसे गर्म होने पर मैं इसमें जीरा और तेज़पत्ते का तड़का लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब प्याज लिया है, इसे बारीक काट लिया है। आप चाहें तो 5 मीडियम साइज़ के जो प्याज होते हैं उसे काट लीजिए, फाइनली चॉप कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म है। अब क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा मैं नमक ऐड करूँगी, जिससे कि ये और भी जल्दी से गल जाएंगे और उसके बाद जो है कि अच्छे से पक भी जाएंगे। इसे हमें धीमी आँच पर, धीमी से मीडियम आँच पर जो है कि ढक कर पकाना है, जिससे कि ये गल भी जाएंगे जल्दी से और लाल भी हो जाएंगे। इसे हम ढक देते हैं। अब देखिए कुछ देर बाद जो है कि बीच में चलाते चलाते, बीच बीच में मैंने चलाया इसे और ढक ढक कर पकाते हुए कुछ इस तरह से ये लाल हो चुके हैं। हमारे प्याज जो है अच्छे से गल गए हैं। अभी जो बचा हुआ तेल है ना, अब हम इसमें जो है कि ऐड कर लेते हैं
इसे कुछ देर के लिए और हम पकाएंगे। ये मिर्चे का जो मसाला बचा हुआ है उसे हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है कि 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम और अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि प्याज हमारा और भी अच्छे से सुनहरा लाल हो जाए। तो ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है, अच्छे से लाल हो चुका है। अब इस स्टेज पे जो है कि इसमें हम 1/2 किलो ही टमाटर, लाल टमाटर एकदम अच्छे से फाइन चॉप किया हुआ काट कर डालेंगे, मतलब 5 मीडियम साइज़ के टमाटर। हमारा जितना प्याज है उतना ही हम टमाटर इसमें ऐड करेंगे। हमें इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज भी हमने पहले से ही नमक डालकर रखा हुआ है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और धीमी आंच पर ढककर हम इसे कुछ देर के लिए पकाएंगे, जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। जब तक टमाटर हमारा पक रहा है, मैंने यहाँ पर कुछ देर के लिए जो है कि काजू, 8 से 10 काजू मैंने भिंगा कर रखे थे, और घर की ये मलाई है 4 चम्मच, और इसे जो है कि इसमें थोड़ा दूध मिक्स करके इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। मसाले के लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 2 चम्मच भर भर कर मैंने लहसुन लिया है, और 7 से 8 हरी मिर्च ली है जो थोड़ी लाल हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं इसमें, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। ध्यान रहे कि हमने मसाले में लाल मिर्ची का यूज़ किया है, तो यहाँ पर मिर्च थोड़ा हम कम डालेंगे। वैसे आप अपनी पसंद के हिसाब से तीखा एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया है, काजू मलाई और अदरक मिर्च लहसुन का। ये देखिए कुछ देर बाद हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, एकदम गल चुके हैं। इसे अच्छे से हम दबा दबा कर मैश कर लेंगे। अब जो है कि इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने अदरक मिर्च लहसुन का जो है पेस्ट ऐड किया। इसे भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी कि इसका कच्चापन निकल जाए। तो अच्छे से भूनने के बाद जो है कि ये देखिए इसको ऑयल सेपरेट हो रहा है, कच्चापन निकल गया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 छोटा चम्मच जो है कि हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, और जो कढ़ाई मसाला हमने तैयार करके रखा है उसे 2 चम्मच में यहाँ पर ऐड करूंगी। थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से भूनूंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी ऐड किया, और बस 2 से 3 मिनट के लिए इसमें ढककर भूनूंगी, जिससे कि इसका मसाला अच्छे से भून जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए ये अच्छे से मसाला मेरा भून चुका है, ऑयल एकदम अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब इसमें जो है कि मैंने जो पेस्ट बनाकर रखा था काजू और मलाई का, उसे ऐड करूंगी। तो इसमें हमने ये पेस्ट ऐड किया, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें 2 चम्मच जो है कि देसी घी भी ऐड करेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, ग्रेवी में एक रिचनेस आता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आप डालना चाहे तो डालिए, या फिर ना डालिए कोई दिक्कत नहीं है। काजू मलाई का जो मैंने पेस्ट बनाया था उस बर्तन को धोकर भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ी 1 चम्मच कसूरी मेथी जो कि मैंने पहले से ही भून कर रखा है और इसे क्रश कर लिया हथेली पर रख के, उसे ऐड करती हूँ। और ये सारे मसालों को मैं धीमी आंच पर अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट है तो ये तली में लगने के डर होते हैं, इसलिए धीमी आंच पर देखिए मैंने इसे भूना है। कितना सुंदर कलर आया है, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें जो है कि पानी ऐड करूँगी। पानी के लिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं, सिर्फ 1 कटोरी यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद जो है इसे अच्छे से मिक्स करूंगी, और इसमें बारी बारी जो है कि मैं पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को ऐड करूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरह की ही रहेगी, बहुत ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं करना है। पकने के बाद ये थोड़े और भी गाढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर, शिमला मिर्च और प्याज को ऐड किया। अब इसे ऐड करने के बाद हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, और धीमी आंच पर ही इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, हमें शिमला मिर्च और प्याज का क्रंच जो है मेंटेन रखना है। बहुत ज़्यादा पका देंगे तो ये लूज़ हो जाएंगे। तो देखिए उबाल आने लगी है। अब इसे ढककर धीमी आंच के पे मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पकाऊँगी। तो ये देखिए मैंने इसे ढक दिया। 1 मिनट बाद ही देखिए मैं इसे अभी खोलती हूँ, और इसमें 1/4 चम्मच चीनी मैं ऐड करती हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 1/4 चम्मच ही मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है, ये घर का गरम मसाला, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और 1/4 चम्मच ही जो है मैंने यहाँ पे कढ़ाई मसाला जो तैयार किया था उसे ऐड करूँगी, इससे इसका फ्लेवर और भी एकदम इन्हेंस होकर आता है। लास्ट में आप ये स्टेप ज़रूर दोहराएँ। तो
तो देखिए इस तरह से मैंने इसे मिक्स किया है। अब बस लास्ट के 2 मिनट और मैं इसे ढककर पकाऊंगी। अब देखिए हमारा सब्जी बनकर तैयार हो चुका है। कितना सुंदर, कितना टेम्पटिंग, कितना डिलीशियस लग रहा है ना, बिल्कुल ढाबा स्टाइल का, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का कढ़ाई पनीर। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छा बना है। तो बस अब गैस ऑफ कर देते हैं और इसे धनिया से गार्निश करते हैं। तो लीजिए बन गया हमारा ढाबा स्टाइल कढ़ाई पनीर। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसी रेसिपीज़ के साथ बने रहने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहें और ऐसे ही वीडियोज़ बनाकर आपके साथ शेयर करती रहूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।